आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन आफ्ताब आलम खान ने पूछा है। उन्होंने आफ्ताब है क्या बोले? अच्छा अगला क्वेश्चन है रवि यदुवंशी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं हैव यू डिलीटेड द चाइनीज एप्स और सॉरी और तो ये बन गया वो। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें डोमिनो हां जी आना आपने भी। Hey guys, this is Nakul Sharma. Welcome to another episode of Ask to Earn. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके सारे क्वेश्चंस जो आपने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे थे, जो कमेंट्स आपके आए थे और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने डीएम करके पूछा था, जिन्होंने भी उनको मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। होगा जब लॉकडाउन हटेगा तब आप जिम में जाए, अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल घर पे आप वर्कआउट करने की ट्राई करें, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मसल ग्रुप्स को आप टारगेट करें, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट ऐसे देखने को ग्रोथ नहीं मिलेगी अकेले इस चीज से, इसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा एक हेल्दी डाइट के साथ। डाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो अपने मैक्रोस को ध्यान में रखें, फैट इनटेक, कार्ब इनटेक, कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक, इन चारों को मेजर फोकस, आपका मेन फोकस इस पे रहना चाहिए। और इन चारों में भी अगर मैं एक चूज करूँ तो प्रोटीन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। प्रोटीन इनटेक अपना आप सही रखें पूरा, यहाँ पे कार्ड लगाया हाउ मच प्रोटीन शुड आई कंज्यूम, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको प्रोटीन इनटेक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स। अगला क्वेश्चन है रवि यदुवंशी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं हैव यू डिलीटेड चाइनीज एप्स, योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस। ओके, आपने ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा है तो मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देने वाला। ऑनेस्टली नहीं, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं डिलीट करने का। ऑनेस्टली बताऊँ, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ एंड आई एम श्योर आप सब भी इस टाइम पे चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा। आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो इससे ज़्यादा वैल्यूबल है इस टाइम पे आप करें। अगर इस टाइम पे आपको जो वायरस है उससे डील करना है, आपको ये नहीं देखना कि चाइनीज ऐप्स मैं अनइंस्टॉल करूँ, अनइंस्टॉल करने से वायरस चला नहीं जाएगा। पहले उन चीज़ों पर फोकस करें और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सबको जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आप बायकॉट इतने इजीली नहीं कर सकते। बहुत इजी है सोशल मीडिया पे एक मीम बना के शेयर कर देना, बहुत इजी है उस मीम को कॉपी करके अपनी स्टोरी डाल देना या पोस्ट कर देना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। बट एक चीज़ आप सबको, जो भी वो मीम शेयर कर रही हैं उनको ये नहीं पता कि आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट की बात करूँ, यार 50% से ऊपर ना अगर चाइना में नहीं बने तो चाइना का कोई ना कोई प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट पार्ट कुछ ना कुछ चाइना से इंपोर्ट हुआ होगा। ये फोन मेरा रियलमी का फोन है, चाइनीज प्रोडक्ट है। एप्पल चाइना से कोई ना कोई पार्ट इसमें लगता है। ये वन प्लस के फोन से वीडियो रिकॉर्ड होती है, इसमें भी कोई ना कोई वहाँ से होगा। मैं इतना टेक में इन्वॉल्व नहीं हूँ बट आई एम श्योर कोई ना कोई चाइना का इसमें पार्ट या फिर बना ही चाइना में होगा। एसी लगा ना जो मेरा, इसका भी चाइना से कोई ना कोई पार्ट होगा लगा हुआ इसमें। वोल्टास का एसी है और इतना मैं एक बार पढ़ा था मैंने कि इंडियन ब्रांड है शायद बट इसमें चाइनीज कुछ पार्ट जो हैं, कुछ पार्ट्स इसके चाइना से इम्पोर्ट किए जाते हैं। क्या क्या छोड़ोगे यार, एसी उतार के फेंक दो क्या मैं? तो अगर मैं एसी उतार के नहीं फेंक रहा, मुझे चाहिए तो एक ऐप मैं अनइंस्टॉल क्यों करूँ? अगर इतनी ही आपको पेट्रियोटिज्म आपको दिखाना है, अपना फ़ोन उठा के बाहर फेंक दो। माइक्रोमैक्स का जो आपकी इंडियन ब्रांड्स हैं, जो हम कॉलेज में पढ़ते जो उन दिनों बड़े चलते थे फ़ोन माइक्रोमैक्स के, 12th 11th क्लास में
मेरी एज में मेरे को याद है उस टाइम पर माइक्रोमैक्स कैनवस एचडी वो सब फोन आए थे। चले जाओ उन पर वापस, नए नए फोन यूज ना करो। यू शुड बी थैंकफुल टू चाइनीज प्रोडक्ट्स। मैं एंटी नेशनलिस्ट नहीं हूँ बट आपको इतना बता दूँ, जो प्रोडक्ट्स जो मोबाइल फोन अगर स्मार्टफोन्स की मैं बात करूँ आपको यूजुअली 50-60 हज़ार में मिलते थे, वही चीज़ें आपको यार सेम फीचर्स 20,000-15,000 में मिल रही। उस चीज़ को अप्रिशिएट करो। मीम्स वाला मैं अगेन बोलूँगा बहुत ईजी है, उनको अपने पेज चलानी है यार, वो कुछ भी बोलेंगे और आप लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। क्या गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ रूल आउट किया है, लॉ निकाला है कि आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स चाइनीज ऐप्स नहीं यूज करने? जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने बैन की है ना उनको आप रात को VPN लगा के खोलते हो, साइफर लगा के वो वेबसाइट्स आप रात को देखते हो खोलते हो, उनको बॉयकॉट करो ना पहले, वो तो आप बड़ी जल्दी जाके देखते हो। लेकिन आपको चाइनीज ऐप्स अनइंस्टॉल करनी है क्योंकि स्टोरी डालती है, कूल लगेगा सोशल मीडिया पर, है ना? आई थिंक ये रीजन होगा। बट इस चीज का ध्यान रखिए जो मैंने बोला, एक बार फोकस करें, रिपीट करके रिवाइंड करके वापिस देखें इसको एंड फिर सोचिए आपको करने से फायदा होगा चाइनीज ऐप्स अनइंस्टॉल या नहीं। ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं होगा, लोगों को स्टोरीज डालनी है वो करने के लिए वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूँगा ऑनेस्टली जब तक गवर्नमेंट बैन नहीं करती। अगर बैन करेगी ऑब्वियसली मैं उसी दिन कर लूंगा, बट अगर जब तक वो बैन नहीं करते मैं नहीं अनइंस्टॉल करने वाला, मेरा काम चल रहा है उससे मैं तो उसको यूज करूंगा जब तक कर सकता। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है अंशिका चौधरी की तरफ से, वो पूछ रही है व्हाई डू आई फील सो लेजी दिस डेज लॉल। अंशिका लेजी आप फील कर रही है, आई एम श्योर उसका लॉकडाउन के साथ कोई ना कोई लीक तो जरूर होगा। ऐसे हमारा जो रूटीन है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो काफी ज्यादा बिजी रहता है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आप करते हैं, आपको ऑफिस जाना होता होगा, कॉलेज या स्कूल आप कहीं जाते होंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी वैसी रहती है। बट अभी लॉकडाउन के चलते लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर पे रहते हैं, मैं भी ज्यादातर घर पे रहता हूँ, बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, सोते रहते हैं लोग सारा दिन। इससे आपकी बॉडी में डोपामाइन और सेरोटोनिन की जो आप बोल सकते हैं बैलेंस है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा लो फील होता है, आप लेजी फील करते हैं। दूसरा रीजन बहुत ज्यादा सोना, अगर आप 7 से 9 घंटे सोती है चलता है ना, वैसे 8 से ऊपर आपको नहीं अवॉइड करना चाहिए, रोज 8 घंटे से ऊपर ना सोएं, बट अगर आप 9 घंटे तक भी सोते हैं चलेगा, इससे ज्यादा अगर आप सोते हैं अगर, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप पूरा दिन लो फील करेंगे, लेजी फील करेंगे, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा आपके एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे। तो ये रीजन हो सकता है आपके लो फील करने का। ट्राई करें हेल्दी लाइफस्टाइल आप लिव करें, घर पे रहते हुए भी लॉकडाउन के चलते भी जितना हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं करें, आप इस प्रॉब्लम से टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशांत सिंह की तरफ से, वो कह रहे हैं वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। है सुशांत, आपका एक क्विक आंसर देता हूं मैं इसका। जब बात करते हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल की, उसकी कोई एज नहीं होती, आप बचपन से हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये नहीं वेट करना मैं 18 साल का होऊंगा तो मैं एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करूंगा, वर्कआउट रूटीन फॉलो करूंगा या कुछ भी लाइफस्टाइल की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप बचपन से ही फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बट 10 साल की उम्र में जिम पे जाके ना बैठे, हड्डियां दुखा के ना बैठ जाए, जिम ज्वाइन करने के लिए वेट करें, जब तक आपकी बॉडी अच्छे से पूरी डेवलप हो जाती तब तक ना जाएं। 16 से 18 साल से पहले जिम अवॉइड करें अगर कर सकते हैं, बट हेल्दी लाइफस्टाइल आपके घर से स्टार्ट होता है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसकी कोई एज नहीं है। आप बचपन से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो एक अच्छी लॉन्ग प्रॉस्परस लाइफ आप लीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम शर्मा की तरफ से, वो पूछ रही है आई ऑलवेज एडमायर यू, यू आर रियली वेरी डाउन टू अर्थ, बट माय क्वेश्चन फॉर टुडे इज डज हाइपोथायरॉइडिज्म समटाइम्स रिजल्ट इन डिप्रेशन, इफ यस सजेस्ट मी समथिंग टू कोप इट। हाइपोथायरॉइडिज्म की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन इसका एक सिम्टम है। आपकी बॉडी में जब थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करना कम कर देता है, थायराइड की जो इंप्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से ग्लैंड की, उससे डिप्रेशन एक वन ऑफ उसका आप कह सकते हैं सिम्टम्स है। आप अगर ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं तो थायराइड का चेकअप कराना बेनिफिशियल रहता है, ये सिम्टम है एक। तो अब इससे अगर मैं कॉम्बैट करने की बात करूँ, डिप्रेशन से कॉम्बैट करने का सबसे अच्छा तरीका है टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ये मैं अभी साइकोलॉजिकल रीजन के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके अलावा आप वो काम करें जिसमें आपका मन सबसे ज्यादा लगता है, जो काम करने का मन है
वो करें, जो काम आपका करने का मन नहीं कर रहा उसको अवॉइड करें, जब तक आप अच्छा फील नहीं करते उसकी साइड फोकस ना करें, ऐसे आप और ज्यादा डिप्रेशन में जाते जाएंगे। दूसरी चीज, अपनी डाइट का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट होगी तो आपको डिप्रेशन से टैकल करने में, डिप्रेशन को कॉम्बैट करने में आपको हेल्प मिलेगी। एक हेल्दी डाइट आप फॉलो करें और लास्टली एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। यहाँ पे वैसे कार्ड लगाया हाउ टू डील विद डिप्रेशन, आप इस वीडियो को भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगला क्वेश्चन है अफ्ताफ आलम खान की तरफ से, उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। उनके क्वेश्चन है, क्या अश्वगंधा से हाइट इंक्रीज होती है? ये अफ्ताफ हो सकती है, इनडायरेक्टली होगी बट हो सकती है। अश्वगंधा आपको स्ट्रेस लेवल आपके मैनेज करता है, उनको कंट्रोल में रखता है, तो जब आप सोते हैं आप एक अच्छी प्रॉपर स्लीप इससे एक्सपीरियंस करेंगे जिससे आपकी HGH की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी बॉडी में, तो इनडायरेक्टली यस इट हेल्प्स। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या क्या और कैसे करें? क्या क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे कॉमन मैं 3 बता देता हूँ, होती बहुत सारी है वैसे बट आप इतनी ज़्यादा ट्राई भी नहीं कर पाएंगे। एक आप लाइन्स ब्रेथ आप ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा आप ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल्स ब्रीदिंग ट्राई कर सकती हैं, और तीसरी फोकस ब्रीदिंग या ऐसा कुछ उसको बोला जाता है, आपको फोकस ब्रीदिंग टेक्निक या समथिंग लाइक दैट, उसमें आपको डीप वो करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, एंड जैसे मेडिटेशन करते हैं हम वैसे करनी है वो वाली एक्सरसाइज। सिंगल नोस्ट्रिल की अगर मैं बात करूं, इसको शायद योगा भी जो लोग करते हैं प्राणायाम या ऐसा कुछ बोला जाता है इसको, आपको एक नोस्ट्रिल ब्लॉक करनी है, दूसरी से इनहेल करना है, फिर दूसरी करनी है, इस वजह से करना है, ऑल्टरनेटिवली आपको दोनों से करना है एक एक करके। ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं। और उनका लास्ट क्वेश्चन है, माइंड को स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जाए? नमस्ते। नमस्ते। एंड आपको अगर माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है तो सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिसको करने में या जो करने से आपको प्रॉब्लम होती है मेंटल लेवल पे। अगर कोई ऐसा काम है जो आप करने में खुश नहीं है तो वो आपको पहले तो करना ही नहीं है, अगर जब तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। दूसरी चीज़, अपनी आप डाइट कंट्रोल में रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी आप लो फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, जो भी हो, उसमें आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, डाइट एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी डाइट हेल्दी है। तीसरा और लास्ट, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, अपने लव्ड वंस के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें पीपल हु केयर फॉर यू, या जिन लोगों की आप केयर करती हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, स्ट्रेस आपको ऑटोमेटिकली लाइफ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य शर्मा की तरफ से, वो पूछ रहे हैं सजेस्ट मी सम हेल्दी स्नैक्स #astro। हाय लक्ष्य, हेल्दी स्नैक्स अगर आप खाना चाहते हैं, मैं पहले आपके साथ वेजिटेरियन स्नैक्स की बात कर लेता हूँ। अगर आपको आप एक वेजिटेरियन है, नॉनवेज आप नहीं खाते, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड नहीं है, बट हाँ थोड़े से कम होंगे नॉन वेजिटेरियन से अगर हम कंपेयर करें। स्टिल पहली चीज, आप सिंपल चीज लें, पनीर लें, आप पनीर को छोटे छोटे पीसीज में कट करके, कुछ नहीं करना आपको उसके ऊपर, नमक मिर्ची अपने हिसाब से स्वाद अनुसार, टू टेस्ट आप उसके ऊपर लगा के उसको खा सकते हैं, एक अच्छा स्नैक एज ए स्नैक आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन की हमारी जो अमाउंट है उसमें वो अच्छा होना चाहिए, चिक पीस जो है उनका एक सैलेड, एक वेज सैलेड आप बना के कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आप इन बिटवीन मील्स आप खाना चाहती हैं, रशियन सैलेड आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। नॉन वेजिटेरियन आपको एक बात बता देता हूँ, इस पर वैसे मैं एक अच्छी फुल वीडियो करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक ट्यूजडे या वेडनेसडे तक मिल जाएगी, मैं रेसिपी आपके साथ पूरी शेयर कर दूंगा। अभी सिंस मेरे को जस्ट नाम ही ले पाऊंगा इस वीडियो में, नॉन वेजिटेरियन आपको एक दो और बता देता हूँ, चिकन सैलेड आप खा सकते हैं, उसके अलावा टूना सैंडविच आप खा सकते हैं, कैन टूना चाहिए, उसका भी कार्ड ऊपर लगा है, उसकी रेसिपी मैंने डिस्कस की थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संतोष चौधरी की तरफ से, वो पूछ रही है हाउ टू कीप आवरसेल्व्स पॉजिटिव व्हेन ऑल द नेगेटिविटी हिट्स यू। आपका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल क्वेश्चन है, जैसा मैंने इस वीडियो में पहले भी बोला था, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए इतना बेटर वर्क नहीं करेगी जितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कर सकती है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट को क्लीन रखें, फैट फ्री डाइट, थोड़ी लो फैट डाइट कंज्यूम करने की ट्राई करें, और उसमें ट्रांस फैट तो खासकर कम होना चाहिए। ट्रांस फैट आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, उससे आपको लो फील कर सकते हैं आप। आपको ट्राई करना है फैट जितना कम कंज्यूम करें उतना अच्छा है, और ऐसे खाना, ऐसी चीज़ें, फूड आइटम्स अवॉइड करें जो खा के स्लीपी फील होता है। आप अगर जैसे हाई फैट कुछ भी खाती है, रात को कभी आप नोटिस करना, अगर आप सोने से पहले
दूध पी के सोते हैं और एक साइड पे आप चार पराठे खा के सोते हैं, सुबह जब आप उठेंगे आपको दोनों में फर्क देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आपको आपकी जो डाइट है वो आपके मूड को इफेक्ट कर सकती है। तो ट्राई करिए हेल्थी डाइट कंज्यूम करें, आपको डिप्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष चौधरी की तरफ से, वो कह रहे हैं आई लास्ट टू क्वेश्चंस दिस टाइम, वन रिलेटेड टू फिटनेस एंड वन रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन डाइट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो पीयूष अगर मैं बात करूं इंडियन डाइट की, जैसे आपने बोला तो कुछ चीजें हेल्दी है कुछ चीजें नहीं है। हमारी जो लाइफ स्टाइल में बात करूँ, डे टू डे डाइट की बात करूँ, मैं ऑनेस्ट आंसर दूंगा यहाँ पे, पराठे जैसे हमारी इंडियन डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आई डोंट नो आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट नॉर्थ में जहाँ मैं रहता हूँ जम्मू पंजाब वाली साइड, परांठे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो वो अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करने चाहिए खाना, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। उसके अलावा अगर हम बात करें चाइनीज आइटम्स की, फूड आइटम्स की, फास्ट फूड की बात करें, वो सब बहुत ज़्यादा इंडिया में चलता है, वो भी अनहेल्दी है, हमें नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा हेल्दी आइटम्स भी बहुत है हमारी डाइट में। हम जो दाल खाते हैं नॉर्मली, हम पल्सीज खाते हैं, सब्जियां जो हम खाते हैं घर के खाने की अगर मैं बात करूं तो बहुत हेल्दी खाना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो सो कॉल्ड देसी घी हम घर का खाते हैं वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है उसमें। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है, वो चीज खाएं जो चीज हेल्दी है। ये ना देखें इंडियन डाइट है, चाइनीज डाइट है, कैसी डाइट है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डाइट कहीं की भी हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की हो, किसी भी कंट्री की हो, आपको ये इंश्योर करना है कि जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए, रीजन से एरिया से फर्क नहीं पड़ता। माय सेकंड क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, व्हाट इट फील्स टू बी यू, हाउ डू यू गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, डॉग एंड गर्लफ्रेंड, यू आर द मोस्ट नॉलेजेबल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन आई हैव एवर सीन ऑन YouTube। थैंक यू सो मच पीयूष, रियली मींस अ लॉट। अब आपने पूछा हाउ इट फील्स टू बी मी, पर्सनल पूछा है आपने क्वेश्चन, एक तो मैं आंसर भी उसी हिसाब से दूंगा। लाइफ इज गुड, अच्छा चल रहा है सब कुछ, जॉब अच्छी चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। स्टार्ट किया था जब एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी ग्रोथ होगी, ग्रोथ अच्छी हुई है, आई होप आगे ऐसी चलती रहे ग्रोथ और अच्छी हो। अगर बात मैं करूँ अपने शेड्यूल की, डे टू डे लाइफ की, तो सारा दिन मेरा वर्क में ही निकलता है, पहले जॉब, फिर मेरे को वीडियोज़ देखनी होती है, डेली रिकॉर्ड होती है, आपको पता है पूरे वीक आपको थ्रो द वीक वीडियोज़ मिलती हैं। संडे को मेरी जॉब से ऑफ होता है मुझे, बट यूट्यूब से कभी ऑफ नहीं होता। बट ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। यूट्यूब फैमिली जो है हमारी, आप जैसे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा व्यूज बनाने के लिए, एंड आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है रियली अप्रिशिएट है। आप उसके टाइम कैसे देता हूँ फैमिली को, डॉग को, फैमिली को, पेरेंट्स को, सबको। तो वीडियोज करनी है मुझे घर पे बैठ के, जॉब मेरी होम बेस्ड है, मुझे बाहर इतना जाना नहीं पड़ता। उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचता है वो मैं अपनी फैमिली को दे देता हूँ, बस इतनी लाइफ है। उनके साथ गेम्स वगैरह खेलते हैं, एक्सबॉक्स खेल लिया भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, तो मैं फ़ोन पे दिन में दो तीन बार उनसे बात कर लेता हूँ, दैट्स हाउ आई स्पेंड माय टाइम। पूरे दिन में बस ऐसा ही लाइफ मेरी चलती है। हाय सुनील, फेवरेट क्रिकेटर मेरे विराट कोहली एंड फेवरेट एक्टर इज सलमान खान। आई गेस इतना ही क्वेश्चन था आपका, तो दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूछे, सभी का मैंने आंसर ऑनेस्टली दिया, जो आंसर मुझे सही लगा मैंने आपको दिया। अगर कोई आंसर आपको पसंद ना आया हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड चाइनीज ऐप्स में मैंने जो भी आंसर दिया था दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, आपने पर्सनल ओपिनियन पूछा था, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया। अगर किसी को वो ऑफेंसिव लगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मुझे जो आंसर सही लगा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। नेक्स्ट वीक भी आपके लिए ऐसे ही Q&A सेशन में लेके आऊंगा। नेक्स्ट सैटरडे को कम्युनिटी पोस्ट फिर से लाइव जाएगा, आप अपने सारे क्वेश्चंस वहां पे अगेन पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, आपको हर दिन एक नई फिटनेस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, एंड कुछ फिटनेस टिप्स, न्यूट्रिशन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा।